अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट पावर स्क्रूज और वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। दिस इज एसेंशियली आवर एग्जांपल 8-1, जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया बिकॉज वी हैवंट एक्चुअली स्टडीड अ लॉट राइट नाउ, तो उसमें से जो चीज़ अभी हमने नहीं पढ़ी वो मैंने हटा दी। हम एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद वी नीड टू लुक एट सम मोर कॉन्सेप्ट्स एंड देन वील रीविजिट दिस एग्जाम्पल। जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उसको दोबारा कम्प्लीट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल को एक दफ़ा देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या बता रही। द एग्जाम्पल सेज दैट वी हैव अ स्क्वेयर थ्रेडेड पावर स्क्रू, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वेयर थ्रेड्स, हमारी एग्जाम्पल जो होंगी, जो क्वेश्चन होंगे वो स्क्वेयर थ्रेड्स पर बेस्ड होंगे सारे, ठीक है। स्क्वेयर थ्रेडेड पावर स्क्रू है, मेजर डायमीटर इज गिवन एज 32 mm, सो दिस इज द मेजर डायमीटर एंड द पिच इज 4 mm, ठीक है। डबल थ्रेड्स हैं, तो n इज गिवन एज 2, तो दो पैरेलल में हेलिक्स हैं। एंड इट इज यूज फॉर एन एप्लीकेशन सिमिलर टू दिस वन, ठीक है। तो ये वाले स्क्रू की बात हो रही है, ठीक। The given details include the coefficient of static friction of 0.08 और जो load bear करना है हमने, that is 6.4 किलो न्यूटन पर स्क्रू, ठीक है। तो normally बड़ी applications में एक single power screw नहीं होता, you have a lot of different screws which are working together, तो हर screw के ऊपर different load जो है आ रहा होता है। तो हमारा ये वाला जो case है, इसके अंदर we are saying कि हमारा जो current screw है इसके ऊपर 6.4 किलो न्यूटन का load आ रहा है। What do we need to do? हमें सबसे पहले ये करना है कि जो इसकी डायमेंशन है वो हमें निकाल ली, ठीक है। तो विल लुक एट व्हाट दीज आर, ये थ्रेड डेप्थ, थ्रेड विड्थ, पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर एंड लीड, व्हाट दीज आर इन दिस पर्टिकुलर केस। टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड एंड वी नीड टू चेक वेदर सिस्टम इज सेल्फ लॉकिंग और सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। सो दैट्स द आइडिया, दिस इज डी, ओके, ठीक है। ए में आ जाते हैं। ए में हमें करना क्या है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, मेजर डायमीटर गिवन है, पिच गिवन है। इसकी हेल्प से हमें बाकी डायमेंशन निकालनी है। तो कह रहे हैं थ्रेड की जो हाइट है और विड्थ है, जो गैप है, ठीक है, आपका मीन डायमीटर, पिच डायमीटर कितना है, रूट डायमीटर कितना है, ये सब कुछ निकालना है। तो इफ़ वी लुक हेयर, तो जो थ्रेड की डायमेंशंस है सारी, अगर मैं सिर्फ थ्रेड की प्रोफाइल की बात करूं, तो डायमेंशंस आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द पिच। तो सिंस पिच इज 4 mm, देन दिस हाइट इज 2 mm एंड दिस विड्थ इज ऑल्सो 2 mm, दिस विड्थ इज ऑल्सो 2 mm। पहली बात तो ये हो गई, दिस इज डायरेक्ट, इसमें कुछ हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। फिर हम आ जाते हैं अपने डायामीटर्स के ऊपर। तो हम डायमीटर के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई है, बट लेट्स फर्स्ट फोकस हेयर। हमने डी आर निकाला है, रूट डायमीटर, रूट डायमीटर डी और डी आर का यहाँ पे डिफरेंस गिवन है एस पी बाई 2। बट यू हैव सेड बिफोर कि आपका जो थ्रेड्स होते हैं वो आपके दोनों साइड के ऊपर चल रहे होते हैं, राइट। तो डायमीटर्स आर फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है। तो रूट डायमीटर दोनों एंड के बीच में होगा। जो आपको गैप बताया हुआ है, दिस गैप इज, दिस इज पी बाई 2, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्रू, ठीक है। तो हम बेसिकली रेडियस की बात कर रहे हैं, तो दिस पी बाई 2 इज एक्चुअली डी बाई 2 माइनस डी आर बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू पी बाई 2, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी है, ठीक हो गया। लेट मी रिमूव दिस। अच्छा, अब वंस वी डू दैट देन एसेंशियली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है वाला, उसमें कुछ भी नहीं करना। अब हमें रूट डायमीटर निकालने के लिए जस्ट कैंसिल आउट टू टेक डी आर टू द अदर साइड, ब्रिंग पी हेयर एंड यू कैन डू डी माइनस पी टू गेट डी आर, इट कम्स आउट टू बी 28 mm, सही हो गया। सेम तरीके से हम पिच डायमीटर या डी एम भी निकाल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डी पी, दिस इज फाइन। तो डी एम निकालने के लिए व्हाट वी नो कि जो इसका मीन डायमीटर होता है वो रूट और मेजर डायमीटर के बीच में होता है। तो इफ इट इज एट द सेंटर, देन दिस हाइट एंड दिस हाइट, बोथ ऑफ दीज हाइट्स आर पी बाय 4, ठीक हो गया।
तो जो काम हमने यहाँ पे किया था हम सेम काम यहाँ पर भी कर सकते हैं. तो वी कैन से के डी माइनस डी एम डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू पी बाई फोर. दैट्स वन वे टू डू इट. दिस बिकम्स टू. यू कैन ब्रिंग पी हेयर, यू कैन टेक डी एम देयर एंड यू कैन फाइंड आउट वट इज डी एम. एक तो ये सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि यू नीड टू रिकग्नाइज के डी एम इज जस्ट अ मीन डायमीटर. You can find out DM directly by taking the mean of 28 mm and 32 mm. सही है, तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है. दोनों तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया. पहला वाला तरीका नीचे शो हुआ है कि d माइनस डी एम डिवाइड बाई टू इक्वल टू पी बाई फोर. इससे वी कैन फाइंड आउट DM. या फिर आई कैन जस्ट टेक द मीन ऑफ d एंड dr. आई टेक द मीन एंड आई गेट 30 mm. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर करेक्ट. ठीक है, दोनों तरीके से सही है. एक जो चीज़ और हमें निकालनी थी इस केस में वो था लीड. हमें वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट वॉट इज द लीड इन दिस केस. और लीड निकालने के लिए लेट्स जस्ट वर्क हेयर. एंड लीड का हमें पता है फॉर्मूला होता है n टाइम्स p. हमारे केस में n इज 2 एंड द पिच इज गिवन एज 4 यहाँ पे. ठीक है, द पिच इज गिवन एज 4. तो द लीड बिकम्स 8 mm. ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल कैलकुलेशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में आप लोगों को. और चूंकि प्रोफाइल स्क्वायर थ्रेड की हमेशा सेम रहेगी तो ये प्रोसीजर हमेशा सेम रहेगा. वी ऑलवेज नो दीज टू थिंग्स. दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस डी एन पी. ठीक है, यही पता होता है हमेशा. दिस इज हाउ यू वी स्पेसिफाई स्क्रूज. मेजर डायमीटर स्पेसिफाई करते हैं और उसके साथ में हम स्पेसिफाई करते हैं अपनी पिच. ठीक हो गया. तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इट द प्रोसीजर विल रिमेन द सेम फॉर ऑल केसेस. ठीक है, जो भी स्क्वायर थ्रेड का केस आएगा उसमें हमेशा यही वाला प्रोसीजर फॉलो होगा. तो दैट वाज पार्ट ए फॉर अस. पार्ट बी जो था हमारे लिए वो था कि हमें जो राइजिंग टॉर्क कैलकुलेट करना है. और राइजिंग टॉर्क का हमें फार्मूला पता है, तो हमने इसकी पूरी डेरिवेशन करके देखी थी. बट वी सेड कि हमें डेरिवेशन हर दफ़ा यूज़ नहीं करनी होगी, हम लोग अपने जो फाइनल रिजल्ट है उसको यूज़ कर रहे होंगे. तो अगर मुझे टॉर्क निकालना है, मुझे सब कुछ पता है इस केस में. आई नो माय लोड इज 6.4 किलो न्यूटन्स. डीएम हमने अभी निकाला है. लीड इज 8 mm. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज गिवन इज 0.08. वी नो एवरीथिंग. वी जस्ट नीड टू प्लग एवरीथिंग इन इट. ठीक है, यूनिट्स का ख्याल रखना. ये लेंथ है, ये यूनिट लेस है एफ, ये लेंथ है. तो ये ऊपर की चीज का यूनिट लेंथ है न्यूमिनेटर का. डिनोमिनेटर में पाई डीएम का यूनिट भी लेंथ है और फ्रैक्शन का कोफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता. लीड का यूनिट भी लेंथ है. लेंथ अपॉन लेंथ, तो दिस थिंग इज यूनिटलेस. ठीक है, दिस थिंग इज यूनिटलेस. फोर्स का यूनिट हमने यहाँ पे 6.4 रखा है. दिस इज इन किलो न्यूटन्स. एंड डीएम हमने 30 रख दिया, तो दिस इज इन mm. सही है. तो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी इन किलो न्यूटन मिलीमीटर. किलो न्यूटन मिलीमीटर इज 10^3 इज कमिंग हेयर विद न्यूटन एंड 10^-3 इज कमिंग विद मीटर्स. दिस कैंसिल आउट. तो किलो न्यूटन मिलीमीटर इज एसेंशियली जस्ट न्यूटन मीटर. सही हो गया. तो न्यूटन मीटर में हमारे पास टॉर्क निकल के आ गया. एंड अगेन व्हाट यू आर सीइंग इज कि दिस इज जस्ट अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला. हमें पैरामीटर्स जो अननोन थे वो निकालने पड़े. Once we knew all the parameters, then calculation of torque is a very direct step for us. ठीक है, फॉरन निकल सकता है. We just need to apply the formula. इसके बाद हमारा जो काम था वो ये था कि we need to calculate the lowering torque and we need to see whether the system is self-locking or not. Self-locking check करने का तरीका ये होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि TL पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगर TL पॉजिटिव है तो सिस्टम इज सेल्फ लॉकिंग. अगर TL नेगेटिव आ रहा है तो सिस्टम इज नॉट सेल्फ लॉकिंग. इट विल लोअर इट सेल्फ विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स बाय यू. ठीक, यहाँ पे मैंने पूरा TL कैलकुलेट किया हुआ है जस्ट टू सी के ये नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है. बट एज वी टॉक्ड अबाउट इन द लास्ट लेक्चर, TL को नेगेटिव पॉजिटिव से ये फैक्टर बना रहा होता. ठीक है, तो लेट मी इनफैक्ट जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस थिंग. दिस राइट, सो ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास, ये फैक्टर हमारे लिए जरूरी. ठीक है, तो दिस फैक्टर इज व्हाट इज एक्चुअली
डिटर्मिनिंग वेदर टी एल विल बी पॉजिटिव और नॉट, ठीक है। तो आप खाली ये फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको सेल्फ लॉकिंग चेक करनी है, जस्ट चेक दिस फैक्टर पाई एफ डी एम माइनस एल पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको एफ भी पता है, आपको डी एम भी पता है, आपको एल भी पता है। मैंने यहाँ पे पूरे टी एल की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हुआ है, तो आई हैव रिटन टी एल हेयर, ठीक है। टी एल इज कमिंग आउट टू बी माइनस 0.466 किलो न्यूटन मिलीमीटर, विच इज जस्ट न्यूटन मीटर। तो सिस्टम इज नॉट सेल्फ लॉकिंग, सही है। तो द क्वेश्चन दैट कम्स अप हेयर इज हाउ कैन वी चेंज दिस। लेट्स से कि मुझे ये सिस्टम मिला था एंड वी चेक इट एंड वी फाउंड आउट दैट द सिस्टम इज नॉट सेल्फ लॉकिंग, हाउ कैन वी मेक दिस सिस्टम सेल्फ लॉकिंग, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते, थिंक अबाउट इट एंड तो अब हम इसके लिए कर ये सकते हैं कि हमें मेनली ये करना है कि हमें टी एल को किसी तरीके से पॉजिटिव बनाना है। टी एल को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें जो फैक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे एफ है, डी एम है और लीड है। दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट वी कैन प्ले विद। एक हमारे पास टर्म आ रही है पाई एफ डी एम, एक हमारे पास टर्म आ रही है लीड। अगर पाई एफ डी एम इज ग्रेटर देन लीड देन वी आर सेफ, ठीक है। तो अगर मैं सेम स्क्रू की बात करूँ, अगर मैं कहूँगा मैं स्क्रू मेरा चेंज नहीं हो रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सेम डबल स्टार 32mm आउटर डाया और 4mm पीछे वाला स्क्रू उठा रहा हूँ, देन हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस थिंग। तो प्रॉब्ली वन थिंग यू कैन डू इज आप फ्रिक्शन को लोअर कर सकते हैं। तो इफ देर इज सम लुब्रिकेशन यू कैन रिमूव दैट, ठीक है। मे बी जस्ट रिड्यूसिंग जस्ट इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन फैक्टर आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दें 0.08 से 0.2 कर दें, मे बी इट विल इम्प्रूव, वी डोंट नो, वी विल नीड टू चेक, यू कैन चेक, ठीक है। तो करंटली अगर मेरे पास एफ मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो एफ शुड बी ग्रेटर देन एल अपॉन पाई टी एम, विच मीन्स के लीड इज 8, दिस इज पाई, दिस इज 30, ठीक है। तो यू कैन गो अहेड एंड चेक दिस थिंग कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपका किससे बड़ा होना चाहिए, एंड आई वांट यू टू चेक दिस कि ये कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने टेस्ट करनी है, एंड अगेन यू नीड टू ट्राई दिस, इज वॉट इफ वी डिसाइड टू लोअर द लीड। मैं बजाय इसके कि मैं इस टर्म को बड़ा करूं, मुझे इसको बड़ा करना है या फिर इसको कम करना है, ठीक है, वन और द अदर, सही है। तो अगर मैं लीड को कम करने की कोशिश करूं, कैन इट वर्क, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। तो लीड को कम करने का एक तरीकाकार तो ये हो सकता है कि मैं सेम कंडीशंस का मैं स्क्रू उठाऊं कि मैं डी इक्वल्स टू 32mm और पिच इज इक्वल्स टू 4mm का स्क्रू पे कर रहा हूँ, बट आई यूज अ सिंगल स्टार स्क्रू, विच मीन्स माई लीड विल बिकम 4mm। सो आई वॉन्ट यू टू टेस्ट वेदर दिस एक्सप्रेशन हेयर इज नेगेटिव और पॉजिटिव वेन वी सेट एल इक्वल्स टू 4mm। अगर हम एल इक्वल्स टू 4mm करते हैं तब क्या होता है, What you will find, I've tested this, what you will find is कि जब आप लीड को 4mm कर देंगे ना, तो आपका सिस्टम सेल्फ लॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, अगेन आई वॉन्ट यू ट्राई दिस एंड सी कि ये दोनों जो हमने तरीके देखे हैं whether they can work or not। फ्रिक्शन बढ़ानी है हमें, एक चीज काम है। दूसरा काम ये है कि हमें लीड को कम करना, ठीक है, दोनों काम हमने करके देखे। सो दिस विल वर्क, ठीक है। फाइनल जो चीज इस क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास, दैट इज एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला एफ एल अपॉन 2 पाई टी आर गिवन है। टी आर हम पहले निकाल चुके हैं, इट्स 15.94 न्यूटन मीटर। एफ हमें पता है, ठीक है, एल हमें पता है, एक्चुअल एल हमारा 8mm है, वही यूज करेंगे। तो वी प्लग एवरीथिंग इन दिस, ठीक है, तो 6.4 टाइम्स 8 यूनिट्स को फिर से जरा गौर से देखिएगा। दिस वी आर कॉलिंग एज न्यूटन मीटर, दिस इज इन किलो न्यूटन्स,
this thing is mm, and as we have said that kilo newton millimeter is the same as newton meter, so units satisfy ho rahe hain, sahi hai na? To units ka hamesha khayal rakhiyega, units ki gadbad hogi to sara answer out ho jayega. Now plugging everything in, the solution wala part hai, that is very very direct, you don't need to do a lot here, just chota se ek fraction hai wo calculate karna hai, you calculate the fraction, you get an answer of 0.511 or 51.1% efficiency. ठीक है, तो जो करंट्स आपका पावर स्क्रू है दैट इज 51% एफिशिएंट, और एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं इन रिलेशन टू द केस वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन. सही है, रिमेंबर दिस थिंग दैट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन इन दिस केस देन 0 माइनस एल, बिकॉज एफ इज 0 तो दिस एंटायर थिंग बिकम 0, विल always be less than 0, so this will always be negative. तो friction, although हम ideal case में ये बोल रहे हैं कि हम friction 0 के साथ solve करना चाह रहे हैं ideal case में, but that is just for the rise torque. Friction is actually crucial for us because without friction our system will never be self-locking. ठीक है, तो friction ऐसा नहीं है कि हम system में से friction को बिल्कुल ख़त्म कर दें या बहुत ही कम कर दें, we don't actually want that. 100% efficiency is not good here. Why? Because 100% efficiency means कि आप बिल्कुल zero friction के साथ काम कर रहे हैं, and that means कि आपका system self-locking कभी भी नहीं हो सकता. तो you in an ideal world you do not want efficiency to be 100% in this case. आप चाह रहे हैं कि आपके efficiency थोड़ी कम हो, यानी system के अंदर friction हो, ताकि आपका system self-locking रह सके. ठीक है, होपफुली दिस पॉइंट इज क्लियर. एंड सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल न्यूमेरिकल, ठीक है, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को रीइन्फोर्स करने के लिए देखा था, जो हमने अभी टॉर्क के और स्क्वेयर्स थ्रेड्स की डायमेंशंस के बारे में चीज़ें पढ़ी थी उनको रीइन्फोर्स करने के लिए. एंड नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू एक्चुअली एड वन मोर टर्म इनटू द टॉर्क एक्सप्रेशन. ठीक है, टॉर्क के फॉर्मूले में एक चीज़ हमने ऐड करनी है, और उस चीज़ को समझने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गो टू दिस वाइट बोर्ड एंड से के ठीक है, मेरे पास एक लोड है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस करेक्टली, दिस इज एंड ओके, मेरे पास एक लोड है, ठीक है, दिस थिंग विल अप्लाई अ फोर्स, ये आपका स्क्रू है, ठीक है, जिसका एक सॉर्ट ऑफ कॉलर है जो कि इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, एंड योर स्क्रू मूव्स इन रिलेशन टू दिस थिंग समाउ. ठीक है, तो आपका स्क्रू इस आपका स्क्रू जो है वो इसके रिलेटिव रोटेट कर रहा होगा. ठीक है, समहाउ दिस यू नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि ये कैसे हो रहा होगा. स्क्रू मोस्ट लाइकली इसके थ्रू पास हो रहा होगा, ठीक है, साइड में हो सकता है, दो स्क्रू हों, अगर मैं इसका साइड भी देखूँगी, मेरा लोड है, एक स्क्रू मेरे पास यहाँ पे है, एक स्क्रू मेरे पास यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ रखी हुई है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपका एक जो स्क्रू है इट इज़ रोटेटिंग, राइट, जब भी ये ऊपर नीचे इसके रिलेटिव कोई चीज़ मूव कर रही है, बट आपका जो लोड है लोड इज स्टेशनरी, तो यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट होती है, दैट सपोर्ट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द लोड. ठीक है, ये सपोर्ट जो है, दिस सपोर्ट इज़ रोटेटिंग, ठीक है, ये सपोर्ट रोटेट कर रही होगी, बट आपका लोड मोस्ट लाइकली स्टेशनरी होगा, तो देयर इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन हेयर एज वेल. ठीक हो गया, ओके, सो या, ठीक है, तो दिस इज अ बेटर स्कीमेटिक. ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास पावर स्क्रू है, पावर स्क्रू कैन मूव अप एंड डाउन. ठीक है, तो ये मेरी पावर स्क्रू की फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे मेरे पास थ्रेड्स बने हुए हैं, एंड दीज थ्रेड्स allow the screw to move up and down, तो ये मेरी जो है ना ये support है मेरी, तो this part is fixed, और power screw इसके through इसके अंदर ऊपर नीचे move कर सकता है, तो power screw can move up and down here, but in order to move up and down this is actually rotating, and when it rotates इसका जो collar है ये भी rotate करेगा, तो this thing is rotating, but most likely आपका जो load होगा the load is not going to rotate. सही है, तो यहाँ पर sliding हो रही होगी, ये जो contact surface है ना यहाँ पर sliding हो रही होगी,
स्लाइडिंग मीन्स कि जहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन एक्ट करेगी, ठीक है। तो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं कॉलर फ्रिक्शन, सही। जो आप दिस थिंग इज कॉल्ड द कॉलर, इसकी अपनी डायमेंशन होंगी, दिस थिंग इज गोइंग टू हैव अ डायमीटर, सही। इसको हम यूजली सिर्फ एक मीन डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और तो इसका एक मेजर डायमीटर है, इसका एक माइनर डायमीटर है, ठीक है। बट इसको हम एक मीन डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। उस मीन डायमीटर के ऊपर हम सारा लोड एक्ट करवा देते हैं, तो एंटायर लोड इज एक्टिंग एट द मीन डायमीटर, सही, ठीक हो गया। तो अगर इस कॉलर के लिए, द कॉलर इज अ सरफेस, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज द लोड एफ, इसका कोई ना कोई यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। कॉलर के लिए वी कॉल दैट एफ सी, कॉलर फ्रिक्शन कोफिशियंट, ठीक है। तो द फ्रिक्शन फोर्स इन दिस केस, द फ्रिक्शन फोर्स बिकम्स एफ सी टाइम्स एफ, ठीक है। एफ इज द लोड, एफ सी इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस एंटायर थिंग इज द फ्रिक्शन फोर्स, सही है ना। तो ये पूरी चीज फ्रिक्शन फोर्स है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारे पास, ये फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी? अगर मैं इसको थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में बनाने की कोशिश करूँ, तो इफ दिस इज योर डेस्क, दिस इज योर कॉलर, कॉलर के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स, हमने कहा मीन, हमारा जो मीन डायमीटर है उसके ऊपर एक्ट कर रही है। बिकॉज ऑफ दिस सरफेस के ऊपर आपकी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की कोशिश करूँ, तो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, तो आपकी फोर्स F जो है, लोड जो है वो z डायरेक्शन में है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो x y प्लेन के अंदर मूव कर रही है। 3D में विजुलाइज करने की कोशिश कर, सही है। अब सेंटर के अबाउट दिस फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू कॉज अ मोमेंट, ठीक, और द मोमेंट इज गोइंग टू बी एफ सी एफ, फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस हियर, एंड दैट डिस्टेंस इज मीन डायमीटर ऑफ द कॉलर डिवाइड बाई टू, रेडियस बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने मोमेंट कैसे बनाया, द मोमेंट कम्स आउट टू बी एफ सी एफ मल्टीप्लाइड बाई डी सी डिवाइड बाई टू। सो दिस इज एन एडिशनल रेजिस्टेंस मोमेंट जो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे टी आर अप्लाई कर रहा हूँ प्राइस कराने के लिए, दिस टी आर, अभी तक हमने क्या चीज़ ओवरकम कराई है, हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ली थी, उस इंक्लाइंड प्लेन में वी सेड के हम इंक्लाइंड प्लेन अभी बना देते हैं कि अगर इस पे लोड रखा हुआ है, दिस लोड इज एफ, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स पी आर ऑन इट, ठीक है। और पी आर अप्लाई करने से यहाँ पे हमारे पास एक फ्रिक्शन आ रही है, वी कॉल दैट एफ, नॉट एफ सी, जस्ट एफ, एफ एन, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आ रही थी। तो पी आर जो फोर्स थी, इसका पर्पस ये था कि ये हमारी लोड कैपिटल एफ और फ्रिक्शन फोर्स एफ एन दोनों को अपोज कर रही थी, ठीक है, दैट वॉज द आइडिया, ठीक। तो अब हमारे पास, जब हमने फिर इसको क्या किया था, वी कन्वर्टेड दिस इनटू टी आर, सही। तो हमारे पास टी आर की एक टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास एक एडिशनल कॉलर का लोड आ रहा है, मोमेंट लोड कह लें, या इसको टॉर्क का लोड कह लें। दिस इज एन एडिशनल रेजिस्टेंस विच वी हैव टू ओवरकम व्हेन वी अप्लाई टी आर, ठीक है। तो अब हमारे पास टी आर की जो कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी द ओल्ड एक्सप्रेशन जो हमने निकाली थी, जो हमने अभी यूज भी किया न्यूमेरिकल के अंदर, जो कैपिटल एफ डी एम लीड इन सब का फंक्शन था, फ्रिक्शन फैक्टर भी आ रहा था उसमें, स्क्रू वाला एफ, ठीक है, ऑल ऑफ दैट, एंड वी आर गोइंग टू एड टी सी टू दैट, तो दैट प्लस टी सी इज गोइंग टू बी आवर एक्चुअल टी आर नाउ। सिमिलरली टी एल जो है, टी एल में भी सेम चीज़ होगी कि टी एल का एक हमारे पास रिलेशनशिप होगा, उसके अंदर हम टी सी को ऐड करा दें, और टी सी इज जस्ट इन ऑपोजिशन हेयर, इट डज नॉट मैटर कि मैं टी आर अप्लाई कर रहा हूँ या मैं टी एल अप्लाई कर रहा हूँ, डज नॉट मैटर, बिकॉज आप किसी भी तरफ रोटेट करें, यहाँ पे ऑपोजिट रेजिस्टेंस, यहाँ पे तो फ्रिक्शन होगी ना, तो देर विल ऑलवेज बी अ रेजिस्टेंस हेयर, चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो सेम रेजिस्टेंस टॉर्क टी सी इज गोइंग टू अप्लाई व्हेन यू आर राइजिंग द लोड एंड व्हेन यू आर लोअरिंग द लोड, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड।
कि अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, और ये न्यूमेरिकल के अंदर आएगा भी, यू आर गोइंग टू गेट फेमिलियर विद दिस वेरी क्विकली, कि हमारे पास जो टी आर और टी एल की एक्सप्रेशन है, दे आर बींग अपडेटेड नाउ. पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी उसके अंदर ये फैक्टर दोनों एक्सप्रेशन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है. इसके अंदर दो नए पैरामीटर्स ऐड हुए हैं, एक एफ सी है विच इज़ द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एट द कॉलर एंड मीन डायमीटर ऑफ द कॉलर. सही हो गया. तो ये दोनों फैक्टर्स की हेल्प से वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस एडिशनल टर्म टी सी. इसको हम अभी यूज करेंगे वेन वी रीविजिट एग्जाम्पल ए डैश वन, ठीक है. हमने एग्जाम्पल ए डैश वन को मॉडिफाई किया था दो वजह से. एक ये कि हमने कॉलर फ्रिक्शन अभी निगलेक्ट की हुई है, तो अब हम कॉलर फ्रिक्शन को ऐड कर देंगे. सेकेंड चीज़ एग्जाम्पल 8-1 में जो थी वो ये थी कि एग्जाम्पल 8-1 में एक्चुअली स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट हुए हुए थे विद इन द बॉडी ऑफ द स्क्रू, ठीक है. स्क्रू की जो आपकी मेन सिलेंड्रिकल बॉडी है उसके अंदर और थ्रेड्स के अंदर, इन सब के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेसेस होंगे. वी नीड टू सी व्हाट दो स्ट्रेसेस आर, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देम वी नीड टू फर्स्ट डिवेलप देयर फार्मूलाज, और वो फार्मूलाज बनाना हमारा अगला काम. तो दिस थिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द टू लेक्चर्स जो हमने अभी करने हैं. एक हम ये वाला कर रहे हैं, इसके फौरन बाद एक और लेक्चर भी होगा. तो वी हैव टू फाइंड आउट के डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस अगर किसी पावर स्क्रू के अंदर हो रहे हैं वो कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं, और उनको निकालने के क्या क्या फार्मूलाज होंगे. एंड वंस वी हैव डेवलप्ड द फार्मूलाज देन वी विल गो बैक टू एग्जांपल 8-1. सही हो गया. तो स्क्रू के अंदर there are going to be three main types of stresses. Sahi, ab screw kya hai? It's essentially a cylindrical body. Theek hai? Ek cylindrical body hai jiske upar ek load apply ho raha hai and you are applying a torque here. So, in these cases, what happens is, jab bhi aap torque apply karte hain kisi cylindrical body ke upar, uske andar torque produce hota hai, right? Uske andar twist produce hota hai. That twisting causes shear stresses in the body, torsion shear stresses, ठीक है. तो we need to talk about that. Secondly, आपके पास load apply हो रहा है, आपका जाहिर है यहाँ पर आपका screw grounded है in some sort of, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई threads होंगे जिनके अंदर आपका power screw लगा हुआ होगा. तो आपके पास यहाँ पर reaction F आएगा, ऊपर से load F आ रहा है, तो आपके पास compressive stresses भी आ रहे हैं thread आपकी power screw की body के अंदर, तो आपके पास axial compressive stresses भी आएंगे. और thirdly, आपके पास क्या हो रहा है, in reality what happens is कि आपके पास जो इस जगह पे अगर मैं zoom in करूँ तो आपके जो threads हैं, the threads are actually going to bear the load. सारा लोड तो थ्रेड्स बेयर कर रहे होंगे ना. तो दीज थ्रेड्स आर एक्चुअली गोइंग टू बिहेव लाइक स्मॉल बीम्स, ठीक है. तो एक बीम है जिसके ऊपर लोड एफ अप्लाई हो रहा है, कैंटिलीवर सपोर्ट है उसकी, ठीक है. वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फ्री, और बिकॉज ऑफ दिस दिस इज गोइंग टू डिफॉर्म एंड दिस इज गोइंग टू डिवेलप स्ट्रेसेस विद इन द बॉडी ऑफ द बीम. सही है. जो थ्रेड आपके जो थ्रेड्स हैं उनके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस. तो वी नीड टू फाइंड दैम. सही है. इसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट बेयरिंग स्ट्रेसेस. सही. विच विल सी व्हेन दे कम. ठीक है, बेयरिंग स्ट्रेसेस पे हम आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहले दो बहुत सिंपल है, ठीक है. टॉर्जनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? टॉर्जनल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला इज दिस. दिस फार्मूला कम्स अप फ्रॉम T upon J equals to tau upon R. ठीक है, कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी आपके पास हो, उस सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर अगर मुझे ये मेरा सेंट्रल एक्सेस है, ठीक है, किसी भी रेडियस के ऊपर अगर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इस बॉडी के ऊपर मैं कितना टॉर्क अप्लाई कर रहा हूँ. सही है. इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, J, और जिस रेडियस पे मैं निकालना चाह रहा हूँ वो रेडियस पता होना चाहिए, आर. तो अगर मैं शीयर स्ट्रेस निकालना चाह रहा हूँ तो दिस आर इज़ गोइंग टू गेट हेयर. सही है, यहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी एंड वी कैन फाइंड आउट द शीयर स्ट्रेस. शीयर स्ट्रेस कब ज़्यादा होगा? जब आर ज़्यादा होगा. तो द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इज गोइंग टू अकर एट द मैक्सिमम रेडियस, यानी सर्कमफेरेंस के ऊपर मैक्सिमम आपके पास शीयर स्ट्रेस आ रहा होगा. ठीक है, तो विल डेवलप अवर
फॉर्मूला यूजिंग दिस रिलेशनशिप हेयर. तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज आइदर गोइंग टू बी टी आर और टी एल. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप टी आर के साथ काम कर रहे होंगे बिकॉज टी आर इज गोइंग टू बी मोर देन टी एल. भाई हमने पिछले लेक्चर में बात की भी हुई है कि क्योंकि टी आर जो होता है वो लोड और फ्रिक्शन दोनों के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, जबकि टी एल जो होता है वो सिर्फ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है. ठीक है, तो टी आर इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन टी एल. तो अगर आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है थ्रेड के अंदर तो आप टी आर से निकालेंगे बिकॉज टी आर इज गोइंग टू गिव यू मोर, इज गोइंग टू गिव यू हायर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, तो इस सिस्टम के अंदर टी इज गोइंग टू बी टी आर एंड टी एल. What is going to be C? C is the maximum radius of this screw body. Screw की जो main cylindrical body है इसका maximum radius क्या होगा. तो this diameter is जो thread की body है वो अलग है. ठीक है, जो आपकी cylindrical body है आपके power screw की उसका जो diameter है that is dr. तो रेडियस बिकम्स डी आर डिवाइडेड बाई टू. ठीक हो गया, आपको सी बिकम्स डी आर डिवाइड बाई टू, जे इज पाई डी आर फॉर फोर डिवाइड बाई थ्री टू. ठीक है, लग एवरीथिंग एंड शेयर स्ट्रेस बिकम्स टी सी डिवाइडेड बाई पाई dr to the power 4 divided by 32, this becomes 16, this becomes cube, 16 goes to the top, right, and what we end up with is 16t divided by pi dr cube, which is also written here, ye likha hua formula. Theek hai, तो जस्ट हमने देख लिया कि आया क्या है. बिल्कुल फंडामेंटल आपकी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स वन की जो थ्योरीज हैं उनसे निकल के आ रही हैं चीज़ें. आप सेम सिमिलर थ्योरी जो है हम बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए भी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो दैट्स आल्सो गोइंग टू बी प्रीटी सिंपल. अगला जो स्ट्रेस हमारे पास है दैट वी नीड टॉक अबाउट इज द एक्सियल स्ट्रेसेस इन दिस. और एक्सियल स्ट्रेसेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी कंप्रेसिव इन केस ऑफ पावर स्क्रूज, क्योंकि पावर स्क्रूज का पर्पज जो है दैट इज लिफ्टिंग अ लोड. सही, तो आपके पास जो भी स्ट्रेसेस होंगे दे आर गोइंग टू बी कंप्रेसिव. तो ऑल्दो आपकी बुक के अंदर यहाँ पे माइनस साइन शो नहीं हुआ हुआ, बट वेन एवर यू एक्चुअली कैलकुलेट द एक्सियल स्ट्रेसेस प्लीज डू पुट अ माइनस साइन हियर टू शो दैट दीज आर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस. ठीक है, अब ये स्ट्रेस कैसे आ रहा है. दिस स्ट्रेस इज द सिंपलेस्ट केस, द एक्सियल स्ट्रेस विद इन अ सिलेंड्रिकल बॉडी. ठीक है, अगर मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है उसके अंदर एक्सियल स्ट्रेस क्या होगा. उसके अंदर द एक्सियल स्ट्रेस इज गोइंग टू बी, इफ दिस इज एफ एंड दिस इज एफ, द स्ट्रेस इज सिंपली एफ अपॉन ए. सही है, सिलिंड्रिकल बॉडी का आपके पास जो एरिया है एरिया इज पाई डी एल स्क्वेयर बाय फोर. ठीक है, एफ अपॉन ए किया, फोर रूट के ऊपर चला गया, द स्ट्रेस बिकम्स फोर एफ डिवाइड बाई पाई डी आर स्क्वेयर. ठीक है, तो दिस इज आवर एक्सियल स्ट्रेस. जस्ट रिमेंबर दैट इट इज दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो पुट अ नेगेटिव साइन विद दिस. सही हो गया, नेक्स्ट अप इज आवर बेंडिंग स्ट्रेस एंड देन विल दिस विल कीप फॉर आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, जो कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, बट आई वॉन्ट टू ब्रेक इन टू टू पीसेस सो दैट यू कैन टेक अ ब्रेक इफ यू वॉन्ट टू इन द मिडल. सही है, तो वी आर गोइंग टू कवर बेंडिंग स्ट्रेसेस, वी आर गोइंग टू कवर बेयरिंग स्ट्रेसेस एंड वी आर गोइंग टू रीडू एग्जाम्पल 8-1. ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सही है, तो लेट्स स्टॉप दिस हियर एंड द नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो टू बी अपलोडेड बिफोर मंडे. ठीक है, तो डू वॉच ऑल ऑफ दिस बिफोर मंडेज क्लास इंशाल्लाह.